क्या कर्नाटक से हो जाएगा बीजेपी का सुपड़ा साफ? न्यूज चैनल्स के पोल्स ने कैसे उड़ा दी बीजेपी की नींद? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये तो आप जानते ही हैं कि 10 मई को कर्नाटक, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है बीजेपी के लिए, वहां चुनाव होने हैं। 224 सीटों वाले कर्नाटक में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक के लगातार दौरे कर रहे हैं और रैलियों का भी वहां बड़ा प्रोग्राम है। लेकिन कई चैनल्स के सर्वे, खास तौर पर एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे, साफ तौर पर कहता है कि बीजेपी के लिए सत्ता में वापसी के जो आसार हैं वो बहुत मुश्किल है। दोस्तों, एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे साफ इशारा कर रहा है कि कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है और सत्ता में आ रही है कांग्रेस। ये देखिए, एबीपी न्यूज और सी वोटर का सर्वे के आंकड़े आपके सामने मैं रख रही हूँ, जहां कांग्रेस को 115 से 127 सीटें यहां पर इस सर्वे ने दी है, यानी कि कांग्रेस आराम से यहां सरकार बनाती दिख रही है। दूसरे नंबर की पार्टी, यानी कि वो पार्टी जो सत्ता में है, वो दिखाई दे रही है बीजेपी। 68 से 80 के करीब सीटें बीजेपी को, यानी कि दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी यहां पर बनकर उभर रही है। और तीसरी जेडीएस को यहां पर पार्टी बताया गया इस सर्वे में 23 से 35 सीटों के आसपास, यानी कि किंग मेकर हो सकता है कि आने वाले वक्त में जेडीएस बन जाए। लेकिन सत्ता में वापसी बीजेपी की यहां बहुत मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में जो वोट शेयर का अंतर है और जो सीटों का अंतर है वो बहुत ज्यादा है। तो बड़ा सवाल यह कि जिस कर्नाटक में पे सीएम के नाम से एक बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस ने चलाया, जिस कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा में सबसे अच्छा रिस्पांस राहुल गांधी को मिला, क्या वाकई में वो कर्नाटक बीजेपी के लिए इस साल में सबसे पहली और सबसे बुरी हार लेकर आएगा? दोस्तों, कर्नाटक इकलौता दक्षिण भारत का राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में है, जहां बीजेपी का संगठन है, और कर्नाटक के जरिए ही बीजेपी दक्षिण भारत के दूसरे राज्यों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है। लेकिन कर्नाटक से आती ये खबर बीजेपी को मुश्किल में डालती है। क्यों? क्योंकि ये साल का पहला चुनाव है, इसके बाद दूसरे राज्यों में भी चुनाव होने हैं। इसी साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं, राजस्थान में चुनाव होने हैं। ये एक महत्वपूर्ण राज्य है जहां लोकसभा की भी बहुत ज्यादा सीटें आती हैं। तो ये चुनाव, जाहिर तौर पर कर्नाटक का चुनाव अगर बीजेपी हार जाती है तो इससे एक बहुत बड़ा सेंटिमेंट जाहिर तौर पर बीजेपी के लिए खराब करेगा, जो कि बाकी राज्यों के चुनाव को भी इफेक्ट करेगा। दोस्तों, ना केवल एबीपी न्यूज सी वोटर, बल्कि कर्नाटक में पोल्स ऑफ पोल्स, यानी कि तमाम जितने भी सर्वे अब तक हुए हैं, उन सारे सर्वों को अगर गौर से देखें तो ज्यादातर सर्वों में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है, बीजेपी सत्ता से जाती दिखाई दे रही है, और कई जगह कई पोल्स में जेडीएस को किंग मेकर के तौर पर दिखाया गया। जेडीएस इससे पहले भी कर्नाटक में कांग्रेस के साथ सरकार चला सकता है, तो जेडीएस का कांग्रेस के साथ जाना ज्यादा स्वाभाविक दिखता है अगर सीटों की कमी आती दिखती है कांग्रेस को भी। तो कांग्रेस जाहिर तौर पर तमाम पोल्स में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर रही है, जो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है। दोस्तों, आप कर्नाटक के चुनावी सर्वे में बीजेपी को मिली हार पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल को ज्वाइन भी करें और सब्सक्राइब भी।